ये देखो दीदी, ऐसे बनेंगी गुजिया। ओह, ये तो बहुत ही इजी है। बचपन से मैंने काम किया नहीं है ना, मुझे हमेशा परियों की तरह रखा है मेरी मम्मी ने। आज करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? दीदी गुजिया आप तल के आ जाओ, मैंने यहाँ पर काफी सारी गुजिया बना दी है। आप क्या पागल हो, गर्मियां आ गई है, स्वेटिंग हो जाएगी। अपना फेशियल कराना, वैसे ही मुझे घूम के आ रही हूँ, टैन हो गई हूँ और टैन हो जाएगा। वो सब आप करना, बस मुझे बता दो छोटा मोटा काम, मैं करके आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर मुझे होली खेलने जाना है, मेरी किट्टी पार्टी की गर्ल्स भी आ गई हैं। अच्छा मुझे भी मिलवा दो, नेक्स्ट टाइम मैं भी किट्टी पार्टी में जाऊंगी। ना 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 ना, पहले काम खत्म, ये सारी गुजिया बन जानी चाहिए, उसके बाद आना आप, तब तो पार्टी खत्म हो जाएगी। दीदी तो आपको कुछ काम करना है ना, एक काम करो आप बेल दो, भर दो, मैं तल के आती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, तलना तो कोई भी तल देगा मेरे को छोड़ के, लेकिन ये काम भी तो करना जरूरी है। पहले इसे करते हैं, बेलो बेलो मैं भर देती हूँ। अच्छा भरोगे? हाँ, सबसे इजी काम, हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ठीक है दीदी आप भर दीजिए, मैं तल के भी आ जाऊंगी। ठीक है, ये लो। इसका पानी नहीं बनाया, ऐसा भरते हैं साइड में? नहीं दीदी ऐसे ही, मैं तल के आती हूँ, बहुत सारी गुजिया हो गई है, आप तब तक ये करो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ मुझे क्या है, 2 मिनट करूंगी, बाहर भाग जाऊंगी। अरे लग रहा है बाहर से आवाज आ रही है, इसको तो यहीं छोड़ती हूँ, मैं फटाफट जाके होली खेलती हूँ, जल्दी से तल देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूंगी। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, सब बाहर होली खेल रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर जो घर का काम कर रही हूँ। होली के दिन में मुझे चैन नहीं है, कितनी आवाजें आ रही है बाहर से, और यहाँ मैं गुजिया तल रही हूँ। कोई बात नहीं, गुजिया तो खाती ही रहूंगी, इतनी सारी गुजिया बनाऊंगी कि 1 महीना तो आराम से चलेंगी। हाँ बड़ा मस्त होली खेल रहे हैं। अब एक काम करती हूँ, दीदी की जाके हेल्प कराती हूँ, कहीं भी भाग जाए। दीदी अपने ये कहाँ गई, लगता है वॉशरूम गई होंगी। दीदी सैंडो और दीदी, दीदी सैंडो, सुन सैंडो, तू ना मुझे बहुत गंदा लगता है, मन करता है तुझे गोली से उड़ा दूं। आप भी ना मुझे अच्छी नहीं लगती है? मेरी दीदी को परेशान बहुत करती हो। चल तेरी दीदी है भी परेशान करने लायक, और नंद का काम क्या होता है परेशान करना, क्योंकि नंदू मैं नंद। लगता है इन दोनों ने भांग पी ली है, अब ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे, इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। अरे देखा आ गई तेरी भोली चालू बहन। चालू तो ये बचपन से है। चुप हो जा मोटे होट के, चल तू अंदर चल। अरे भाभी मुझे मजा आ रहा है सेंडो के साथ, इसको छोड़ दो, आ जा सेंडो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पी लेता है ना वो पागल हो जाता है, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा दीदी। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ जा। अरे भाभी हमने पी थोड़ी है, बस खेल रहे होली। चलो अंदर अंदर, बाहर सब लोग देख रहे हैं। बाहर बाहर तो कोई भी नहीं है भाभी, आप भी आ जाओ। अरे तेरी बहन देख चालू के साथ साथ पागल भी हो गए। अरे आपको क्या पता, आओ इसकी बचपन की बातें बताऊं मैं आपको। चलो क्या हो गया, लगता है कुछ ज्यादा ही असर चढ़ गया है, कुछ करना पड़ेगा। अरे मर जा तू। अरे तू मर, तेरी चंदो मरे। अरे दीदी चलो आपको पानी गर्म हो गया, नहा लो, होली खत्म। अभी तो शुरू हुई थी 5 मिनट पहले है ना। तू चल, तेरा नशा दारू, नींबू रखा है, नींबू है, चल नींबू पी। अरे वो नशा नहीं करता, नशा तो उसको करता है ना। क्यों डिश क्या भगवान, इन्हें क्या हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काम करती हूँ, इनको गायब कर देती हूँ। ऐसा लग रहा है घर घूम रहा है ये, इतने पता चिंता पता था। दीदी दी यहाँ कहाँ गई, दीदी कहाँ गई? अरे मैं हूँ तेरी बहन, तो वो तो ऐसी है। नहीं दीदी, लगता है इसको भी गायब करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही पंख निकल गए इसके, हो गया गायब। अब मैं आराम से गुजिया खाऊंगी, लेकिन ये दोनों गायब हो गए और दोनों मिल गए होंगे, इसका मतलब मेरी चुगलियां, मुझे भी गायब होना पड़ेगा। कितने बजे जिन पर तू था?